पापा पापा क्या कर रहे हो? मैं मच्छी पकड़ रहा हूँ। अरे वाह, आज का फिश करी देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को युक्सुम के फॉरेस्ट्री म्यूजियम का टूर देती हूँ। चलो, अभी दीदी मुझे समझा के गई ना कि ये जो डोको है ना, ये बस टी लीव्स यूज मतलब उठाने के लिए नहीं होता। जब पोर्टर्स वगैरह ऊपर ट्रैकिंग वगैरह के लिए सामान लेके जाते हैं ना, तब ऐसे बड़े बड़े डोको लेके जाते हैं, उसमें वो लोग कैरी करते हैं सामान। ये देखो बास्को मग, ये भी बहुत कमाल का चीज़ है। ये मैंने सेम नागालैंड में भी देखा था कि नागालैंड के लोग ना ज़्यादातर ऐसे बैम्बू। अरे वाह, धनुष भी है देखो, में भी देखो यहाँ पे शो हो रखा है ना कैसे लोकल्स लोग बैम्बू से ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखो सीट बैंक है ऑफ युक्सुम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पे देखो मेंशन है कि ये सारे प्रजाति जो है वो कंचनजोंगा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं, इस सब आते हैं। और सबके मॉडल्स भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है देखो। अरे बाप रे, इसकी आँखें। ये आ गया मेरा फेवरेट मॉडल जिसमें माउंटेन्स का एक डायग्राम जैसा बना के डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि कौन सा लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। कि हम युक्सुम में हैं, इसके बाद ट्रैक करके साचेन तक जाते हैं, फिर छोका, उसके बाद जोंगरी। यहाँ पे सिक्किमिस लोग माउंटेन्स को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, गॉडेस हिसाब से पूछते हैं। और सिक्किम का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट कंचनजंगा, तो वो तो मतलब राजा जैसा देखते हैं सिक्किमिस पीपल। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं उन्हीं के ऑनर में, लाइक माउंट कंचनजंगा के ऑनर पे ही एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे हर सीज़न पे। लाइक फेस्टिवल का ये सीज़न होता है, इट्स अराउंड अक्टूबर नवंबर के टाइम पे सेलिब्रेट होता है, जहाँ पे गॉडेस कंचनजंगा को रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत धूमधाम से एक कल्चरल ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट किया जाता है। और उसमें ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे मास्क पहन के लाइक सेलिब्रेट करते हैं। मार्केट के लिए निकली थी क्योंकि पूरा दिन कुछ भी काम नहीं किया, बहुत अनप्रोडक्टिव था आज का डे। शाम को मुझे मेरे फ्रेंड्स दिखे, वो लोग बाजार जा रहे थे, तो उन्हें देखे मुझे भी लगा शायद मुझे भी मार्केट जाना चाहिए। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक मैम मुझसे पूछ रही थी, पूरा दिन यहाँ पे बोर नहीं लगता क्या, लाइक वन मंथ के लिए क्या करोगे यहाँ पे? बस उस टाइम पे मैं सोच रही थी यार, वन मंथ मेरे लिए तो, मेरे और मेरे पापा के लिए, हम दोनों के लिए ये जन्नत है। लाइक बहुत ही मुशक्कत से मिला है हमें ये पल, तो हम तो इसको एंजॉय करने का कोई भी चांस नहीं गवाएंगे। देखो ना कितना पीस है हर जगह। घर पे जब होती हूँ बहुत स्ट्रेस होता है, लाइक बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होती रहती हूँ। यहाँ पे भी है, स्ट्रेस कम नहीं हुआ, स्ट्रेस अभी भी है, बट होता है ना वो स्ट्रेस को डील करने की जो शक्ति होती है ना, वो मिल गई है कहीं ना कहीं यहाँ से, नेचर से, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐसी जगहों पे पता है, तभी जब भी यहाँ के लोकल लोगों को देखती हूँ ना पहाड़ों के, तो लगता है कि कितने रिलैक्स्ड है यार। अब समझ में आया है, स्ट्रेस उनकी लाइफ में भी है, बट वो स्ट्रेस को टैकल करने के लिए जो स्ट्रेंथ उनको मिलता है ना नेचर से, वो बहुत डिफरेंट है, जो हम सिटीज़ वालों को नहीं मिल पाता ईजिली ना यार। पूरा दिन थकने के बाद ये व्यू देख के किसका स्ट्रेस नहीं दूर होगा मुझे बताओ आप। सी आज मैं आप लोगों को अपने बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। चलो, नेचर में हूँ ना, तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर करके मुझे ये बात याद आया, आप लोगों को भी सुनाती हूँ, शायद से आप लोग भी रिलेट कर पाओ। मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रही हूँ, पता है, बहुत ज़्यादा शाय। कभी कोई गेस्ट भी घर पर आता था ना, तो उसके साथ बात करने में भी मेरी हड्डी पस्सी सब गुल हो जाती थी, लाइक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रह चुकी हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हुई, मम्मी के डेथ के बाद
बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट जोन में चली गई। आफ्टर दैट थैंक्स टू माई फादर कि उन्होंने मेरा वो स्टेज बहुत अच्छे से नोटिस किया, मुझे उस स्टेज से निकालने के लिए उन्होंने बहुत पुश किया मुझे उस टाइम पे। लाइक लिटरली मैं अपने पापा को बहुत मतलब गुस्से वाले नज़रों से देखती थी, क्योंकि वो मुझे पुश करते थे हर चीज़ के लिए। जैसे मुझे अकेले बैंक जाने में डर लग रहा है, तो मेरे पापा को पता था ये मेरी वीकनेस है जो आगे जाके मुझे और दबा सकती है, तो वो मुझे अकेले जाने के लिए ज़बरदस्ती पुश करते थे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। बट जब मैं वो काम कर लेती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं एक ग्रेड ऊपर पहुंच गई हूँ। थोड़ा होता है ना, अच्छा फील होता था, लगता था मैंने अपनी एक कमज़ोरी को टैकल कर लिया। उसके बाद पापा का वो चीज़ समझ में आता था मुझे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ और टाइम बीता, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा कर करके मेरा इंटरेस्ट आया माउंटेनियरिंग में, ट्रैकिंग में, सोलो ट्रैवलिंग में। फिर जैसे जैसे मैं निकलती रही सालों में, कुछ सालों में टाइम बीतते गया और मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो उभर के आता गया। लाइक वेन यू चूज एन एक्सटर्नल फील्ड, यू नो, एन आउटडोर फील्ड, देन यू हैव टू टैकल योर शाइनेस। तब आपको अलग अलग नए नए लोगों से बात करना पड़ता है। आप ट्रैवल करते हो, आपको बात करना पड़ता है। आप ट्रैकिंग पे जाते हो, कोई आउटडोर फील्ड चूज़ करते हो, आपको बात करना पड़ता है। ऐसे कर करके मेरा शाइनेस बहुत हद तक कम गया, मुझे ऐसा लगता था। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगने लगा अभी एक साल पहले तक कि शायद मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ, मतलब कुछ हद तक एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ एंड प्रॉपरली एम्बिवर्ट तो बनी गई हूँ। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार अभी कुछ दिनों में ना, कि नहीं, मैं भले बाहर से जितना भी एक्सट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट दिखाओ, बट अंदर से अभी भी मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पता है, जो करने में मुझे अभी भी वो शाइनेस फील होता है इतने सालों बाद अभी भी। शायद से यही मेरा नेचर है अंदर से, जो कहीं ना कहीं अभी भी छुपा है। और मैं जानती हूँ ये सबके साथ होता होगा। देखो मैं चलते चलते आप लोगों से बात करते करते कहाँ पहुँच गई। ये युकसुम का हाई स्कूल है, सी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल युकसुम वेस्ट सिक्किम, एस्टेब्लिश्ड इन 1952। ये यहाँ का एक लौता गवर्नमेंट स्कूल है जो हाई स्कूल तक है। और सी ये स्कूल के बाहर का फुटबॉल ग्राउंड, बच्चे ही अपने लाइफ मज़े करते हैं, कितने निश्चिंत होके बेफिक्र होके खेल रहे हैं, दुनिया भर की टेंशन ही नहीं है। आई मिस माई स्कूल लाइफ। गौचला ट्रैक का रोड मैप भी लगा है, देखो बहुत फेमस है ना ये जोमरी गौचला ट्रैकिंग यहाँ पे। जो है ना यहाँ पे वाइट कलर का जो बंधा हुआ है, इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में खादा बोलते हैं। लाइक ये यूज़ होता है किसी भी इंसान को ऑनर देने के लिए, गेस्ट वगैरह अगर आते हैं ना तो उनको ऑनर देने के लिए ये खादा उनको गले में पहनाया जाता है।